Disco. हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा, जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को साउंड टेस्ट करके दिखाया था। और उस वीडियो के अंदर मैंने अपने एक स्पीकर बॉक्स में पॉलीफिल लगाई थी लगभग 2 इंच की, और दूसरे स्पीकर बॉक्स में पॉलीफिल नहीं लगाई थी। दोस्तों, आज मैं फिर एक नया ट्रायल आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं, और इस ट्रायल में मैं अपने एक स्पीकर बॉक्स को लगभग पॉलीफिल से पूरा भर दूंगा और दूसरे स्पीकर बॉक्स में पॉलीफिल नहीं लगाऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा। आप लोगों को बताना है कि क्या साउंड की क्वालिटी अच्छी हुई, क्या साउंड की क्वालिटी ख़राब हुई, या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसमें। दोस्तों, इस साउंड टेस्ट में साउंड के डिफरेंस को अच्छे से जानने के लिए प्लीज़ आप हेडफोन का ज़रूर यूज कीजिएगा। दोस्तों, पहले मैं यूनिवर्सल एम्पलीफायर को 40% वॉल्यूम पे यूज कर रहा हूँ। दोस्तों, यूनिवर्सल एम्पलीफायर यूज़ करने के बाद अब मैं साउंड किंग एम्पलीफायर यूज़ करने जा रहा हूँ। आप लोग कमेंट पोस्ट में लिख के बताइएगा आपको कौन सा एम्पलीफायर की आवाज़ अच्छी लगी। दोस्तों, अब मैं दोनों स्पीकर बॉक्स को एक साथ रखकर प्ले करने जा रहा हूं। आप लोगों को देखना है कि दोनों स्पीकर बॉक्स की
जो स्पीकर की बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट है उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है पॉलीफिल लगाने से और नहीं लगाने से।